बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल में कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिव होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस किसी भी सब्सटेंस में एक अल्टीमेट ग्लू का काम करती है। किसी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ड्यू टू सर्टन अट्रैक्टिव फोर्सेस, और उन मॉलिक्यूल्स या उन फार्मूला यूनिट्स के अंदर एटम्स या आयंस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और उनमें भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। तो अब पॉलीमर के तनाजर में, विद रिस्पेक्ट टू पॉलीमर, हम देखेंगे कि पॉलीमर्स में कौन कौन सी मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इन मॉलिक्यूल्स और इन फार्मूला यूनिट्स। तो मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो पॉलीमर का हो या नॉन पॉलीमर का हो, उसमें दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड को इंट्रा मोलेकुलर फोर्स भी कहते हैं और इंट्रा पार्टिकल फोर्स भी कहते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी बॉन्ड को इंटर मोलेकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स कहा जाता है। तो हम इन दोनों टाइप्स की फोर्सेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद फ्रॉम प्राइमरी बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा मोलेकुलर फोर्स और इंट्रा पार्टिकल फोर्स। दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स और आइंस, ये बिटवीन एटम्स और आइंस विद इन मॉलिक्यूल्स और विद इन फार्मूला यूनिट्स। तो किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान या किसी फार्मूला यूनिट में आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी बॉन्ड और इंट्रा मोलेकुलर फोर्स और इंट्रा पार्टिकल फोर्स। मॉलिक्यूल्स की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिपेंड करती हैं प्राइमरी बॉन्ड पर या इंट्रा मोलेकुलर फोर्स पर। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती कौन सी हैं? किसी मॉलिक्यूल की किसी फार्मूला यूनिट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स लाइक मोलेकुलर मैस, मोलेकुलर मैस एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली मोलेकुलर स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, ऑल दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज उस इंडिविजुअल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं प्राइमरी बॉन्ड पर या इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस पर। मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लाइक वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, बॉन्ड एनर्जी कितनी है, और वाटर के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना है, वाटर के मॉलिक्यूल का मोलेकुलर मास कितना है, वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज हैं। सिमिलरली कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई या किसी मोलेकुलर कंपाउंड का इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हो या किसी आयनिक कंपाउंड का इंडिविजुअल फार्मूला यूनिट हो, उस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या इंडिविजुअल फार्मूला यूनिट की प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, और ये प्रॉपर्टीज़ इंटर मोलेकुलर फोर्स या प्राइमरी बॉन्ड पर डिपेंड करती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व हो, उन प्रॉपर्टीज को केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि सब्सटेंस में आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है या मेटालिक बॉन्ड है। अब ये प्राइमरी बॉन्ड या इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, दे आर ऑफ फोर टाइप्स: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। अब हम इनको डिस्कस करेंगे पॉलीमर के हवाले से।
हम इन फोर्सेस को, इन प्राइमरी बॉन्ड्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि पॉलीमर में इनका रोल क्या है, पॉलीमर की स्टेबिलिटी में, पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ में ये फोर्सेस क्या रोल प्ले करती हैं। तो वी विल स्टार्ट विद आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पॉलीमर की मेन बैकबोन में नहीं होता, अलबत्ता साइड ग्रुप्स में हो सकता है। यानी पॉलीमर की चेन के साथ अगर कोई आयनिक ग्रुप्स अटैच हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, सल्फोनिक ग्रुप अटैच है, या कोई और आयनिक ग्रुप अगर अटैच है, तो उनमें आयनिक बांड होगा। तो आयनिक बांड इज नॉट प्रेजेंट इन बैकबोन ऑफ पॉलीमर, बट इट प्रोवाइड्स क्रॉस लिंक्स इन आयनोमर्स। आयनोमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें आयनिक ग्रुप्स अटैच हों, लाइक सोडियम एल्जिनेट। ये सोडियम एल्जिनेट की चेन, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ सोडियम आयन्स अटैच हैं। अगर आप सोडियम एल्जिनेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें, कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में अगर ऐड करें, तो कैल्शियम आयन्स की चूंकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, ये सोडियम आयन को रिप्लेस कर देंगे। अब इस चेन के साथ भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इस चेन के साथ भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इन दोनों को कैल्शियम आयन क्रॉस लिंक कर देगा। तो आयनिक बांड पॉलीमर में क्रॉस लिंक के तौर पर तो हो सकता है, बैकबोन में नहीं हो सकता। ये देखें, ये सोडियम एल्जिनेट की स्ट्रक्चर। जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो सोडियम आयन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये एक चेन सोडियम एल्जिनेट की और ये दूसरी चेन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। अगर इन दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सोडियम आयन्स रिमूव हो जाएं और इनको रिप्लेस कर दिया जाए कैल्शियम आयन से, तो कैल्शियम आयन यहाँ दरमियान में आके, कैल्शियम आयन पर चूंकि टू पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इन दोनों कार्बोक्सिलेट ग्रुप को क्रॉस लिंक कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर सोडियम आयन को रिप्लेस कर दिया जाए कैल्शियम आयन से, तो कैल्शियम आयन इन दो कार्बोक्सिलेट ग्रुप को क्रॉस लिंक करेगा। तो आयनिक बांड पॉलीमर्स में हो सकता है, ऐसे पॉलीमर्स को कहते हैं पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स या आयनोमर्स, और ये आयनिक बांड क्रॉस लिंक करता है डिफरेंट चेन्स को। ये देखें, ये एक चेन और ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये दूसरी चेन और ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ दरमियान में मेटल आयन आके अगर इन दोनों कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ आयनिक बांड बना ले, तो ये दोनों चेन आयनिक बांड के थ्रू क्रॉस लिंक हो जाएंगी। इसे कहते हैं मेटालिक क्रॉस लिंक। अब आ जाएं कोवेलेंट बांड पर। कोवेलेंट बांड की डिटेल्स बुक्स में अवेलेबल है। यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि कोवेलेंट बांड बनता कैसे है और कितनी टाइप्स का होता है। वी ऑल आर वेल अवेयर दैट कोवेलेंट बांड इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कोवेलेंट बांड सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। पोलैरिटी के लिहाज से कोवेलेंट बांड पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। पॉलीमर की मेन बैकबोन में कोवेलेंट बांड होता है और ये बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट बांड है। तो इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बांड इन पॉलीमर्स इज कोवेलेंट बांड। इससे ज़्यादा इसकी डिटेल हम नहीं देख सकते। पॉलीमर की चेन में कोवेलेंट बांड डबल बांड, सब सिंगल बांड, ट्रिपल बांड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और पॉलीमर के अंदर कोवेलेंट बांड पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। हमने पढ़ा था आपके पोलैरिटी के लिहाज से पॉलीमर पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कोवेलेंट बांड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड, जिसको सेमी पोलर बांड भी कहते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड करता है। तो पॉलीमर में आमतौर पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड नहीं होते। कोई ऐसा पॉलीमर
कमर्शली अवेलेबल नहीं है जिसमें ट्रू कोवेलेंट बा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड हो, तो इसको भी हम कोवेलेंट बांड को भी हमने डिटेल से नहीं पढ़ा, हालांकि ये इंतहाई सिग्निफिकेंट है पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ में। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड को भी हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉलीमर में इसकी सिग्निफिकेंस ना होने के बराबर है। हम फिलहाल सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलीमर में कौन सा बांड हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, बाकी ये बांड कितनी टाइप्स के हैं, कैसे बनते हैं और ये पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह अफेक्ट करते हैं, ये फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। फोर्थ टाइप ऑफ प्राइमरी बांड इज़ मेटालिक बांड, और मेटालिक बांड भी पॉलीमर में नहीं होते। दिस इज़ द समरी ऑफ प्राइमरी बांड्स इन पॉलीमर्स।